तो कहाँ जाएंगे मोहतरमा आप? अच्छा पगार कितनी देंगे ये तो बताई दीजिए। मनन प्लीज यार, एक तो ना ड्राइवर बना दिया, खुद पीछे जाकर बैठ गई हो, बात भी नहीं कर रही हो। या देखो अगर गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई ना तो फिर बाद में रेगरेट मत करना। यार तुम्ही ने तो कहा था जल्दी निकलने को। अरे नहीं करनी है बात यार, बस सिंपल। वेट वेट वेट, बाहर मत देखना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मुझे ना मेरे फ्रेंड्स ने बताया था, इस हाईवे पर एक हिस्सा है, यहाँ अजीब सी चीजें होती है अपना, जैसे विंडो पे कोई नॉक कर देता है, और अगर कोई बाहर देख ले तो देखने वाले के साथ बहुत बुरा होता है। क्या बकवास है। ठीक है, ओके, सॉरी। मनन अब प्लीज कुछ देर कुछ मत बोलना, मुझे सोना है। क्या यार दिव्या, मूड ठीक करो ना। प्लीज मनन, मैंने तुमको बोला ना मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद है। मेरा सर दर्द हो रहा है यार, मुझे सोने दो। Come in, sir. हाँ विक्रांत, come in. आपने बुलाया? Sit. कैसे हो विक्रांत? कैसे फील कर रहे हो? जी? कैसे फील कर रहे हो? ठीक हो सर. Good. तुम वो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स ले रहे हो? जी सर। विक्रांत, ये दवाइयां उनके लिए होती हैं जिन्हें लगता है कि वो ठीक हैं मगर होते नहीं, सो प्लीज डोंट स्किप देम। जी सर। वो हाईवे वाला केस देखा जिसमें एक लड़की मिसिंग है? देखा सर, लगता है मेरा ही केस है। किसी के सामने से एक लड़की गायब हो गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। विक्रांत, तुम हर केस आदित्य के साथ? सर काफी दिन हो गए सर, इतने सारे केस सॉल्व कर लिए लेकिन अब अदिति को नहीं ढूंढ पाया। विक्रांत तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। जब से अदिति गायब हुई है तब से तुम परेशान हो, हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर ही ले रहे हो। I'm sorry सर, लेकिन मैं ये केस लेना चाहूंगा सर। मैं उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ, क्या पता शायद उस लड़की को ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसे पहलू मिल जाए जिससे मैं अदिति का केस सॉल्व कर सकूं। I know it sounds a little vague, sir, लेकिन I really need this case, sir. ठीक है, शायद ये केस सॉल्व करने के बाद तुम अपने आप को बेटर समझो। शायद। तब बताओ सर क्या हुआ तुम्हारे साथ?
कितनी बार तो बता चुका हूँ आप लोगों को। गुरबड़े जैन साहब यही है? हाँ साहब यही है। मनन ये सी भी विक्रांत है, इस केस को हैंडल यही कर रहे हैं। गाड़ी तुम चला रहे थे? जी सर। क्या हुआ कल रात को, पूरी बात बताओ। सर हम दोनों कार से वापस आ रहे थे, सफर काफी लंबा था तो मूड फ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ा मजाक किया, उसे डराया भी। सर दिव्या काफी थकी हुई थी तो उसे सोना था। उसके सोने के कुछ देर बाद जब मैंने गाड़ी रोकी और पीछे देखा तो वो वहां नहीं थी, गायब होगी। जी सर। जल्दी गाड़ी से। जी हाँ सर, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आप लोगों को। मुझे तो पहली बार बता रहा है ना, एक साइड में दो काके। कौन है? ये दिव्या की मम्मी है साहब। नमस्ते सर। अंदर बैठाओ, आइए बैठ जा, बैठ जा। पहली बार दिव्या को ऑफिस में ही मिला या पहले से जानता था? नहीं सर, हम दोनों की पहली मुलाकात ऑफिस में हुई थी। कितने सालों से जानते हो उसे? मैं उसे पिछले 3 साल से जानता हूँ। बैठो आप। दिव्या की मनन के साथ कोई रिलेशनशिप थी? नहीं सर, उन दोनों की कोई रिलेशनशिप नहीं थी। पर वो पर क्या? दिव्या ने मुझे बताया था कि मनन उसे प्रपोज किया था गोवा में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक्चुअली सर वो ऑफिस की कलीग की शादी में गई थी ना वहां पे, तो इसीलिए कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी। ये कब की बात है? जब वो शादी में गई थी दिव्या ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे ऐसा लगा कि वो मुंबई आकर उसे मना कर देती। ऐसे उसकी आवाज से बहुत ही अपसेट लग रही थी वो। और फिर दोनों एक साथ वहां से निकले? यस सर। ठीक है, कुछ पता चल जाएगा तो कांटेक्ट करेंगे। सर प्लीज जल्द से जल्द पता कीजिए मेरे दिव्या का। चिंता मत कीजिए, जाइए। थैंक यू सर। सर मुझे इस मनन के बाद में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। शायद दिव्या का मना करने के बाद मनन को काफी बुरा लगा हो और मुझे लग रहा है कि दिव्या गायब करने के पीछे मनन का हाथ हो। तुम्हें लगता है ऐसे? हाँ सर। हाँ लेकिन तुम्हारे लगने से कुछ प्रूव नहीं होता ना, उसके लिए एविडेंस की जरूरत होती है। ये हाईवे का चक्कर क्या है, इसके बारे में काफी सारी उटपटांग चीजें पड़ी मैंने इंटरनेट पे। सर मुझे तो नहीं पता, ना ही मैं कभी गया हाईवे पे। तुमने कभी कोई अजीब चीजें देखी उस हाईवे पे? नहीं सर, देखी तो नहीं है, क्योंकि रात में हम अक्सर वहां जाया ही नहीं करते, लेकिन बहुत सारी कहानियां सुनी जरूर है। जैसे आप एक कहानी हो तो बताओ ना सर। यहाँ तो गांव भर के किस्से है। किसी को यहाँ पे रास्ते पे गर्दन कटी हुई लाश चलते हुए दिखती है, तो एक काले कलर की गाड़ी जो बिना ड्राइवर के ही चलती है और रात में शीशे पे थपथपाने की आवाज भी आती है। बहुत सारी ऐसी कहानियां है सर, अब ये नहीं पता है कि अच्छी कौन सी है और झूठी कौन सी। चलो तो आज पता कर ही लेते। गाड़ियां निकलवाओ, इसको भी साथ में ले लो, वही जगह पे जाएंगे जहां पे इसकी गाड़ी रुकी थी। सर वो जगह सर यही है और इसी जगह आकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी थी और सर यहीं पर मुझे पता लगा कि वो गाड़ी से गायब है। तुम्हारी आखिरी बार उससे बात कब हुई? एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी रुकने से 2 या 3 मिनट पहले तक बात हुई थी मेरी। 3 मिनट पहले बात हुई थी और गाड़ी यहाँ पे आके रुकी। गुरबड़े जी साहब, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे तक का रेडियस चेक कर लेंगे, वो शायद अब भी यहीं कहीं हो। और इसको पुलिस स्टेशन लेके जाओ। ए लेके जाओ। सर 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 मैं चाहता हूँ कि इसको ढूंढने में मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। नहीं ठीक है, तुम वापस जाओ, तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। टॉर्च दे दो मुझे, जाओ। चला गोरपड़े। आओ साहब। अरे गोरपड़े यहाँ पे रेंज नहीं मिल रही है। हाँ
हाँ साहब, यहाँ नेटवर्क का बहुत पंगा है साहब। यहाँ एक प्रॉब्लम ढूंढने जाएंगे, हजार प्रॉब्लम मिल जाएगा। छोड़िए ना सर, ये एरिया ही ऐसा है साहब। यहाँ पे हम सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए, यहाँ पे अकेले घूमना मना है। अच्छा, ऐसा नियम बनाया गवर्नमेंट ने? सर आपका फोन। और नहीं, अरे रिमाइंडर है, दवाई लेने का टाइम हो गया। अभी ठीक 3 बजे है जी साहब। ऑक्यूपे टच में रहना, आधे घंटे के बाद यहीं पे मिलते हैं। अगर सर ना पाए तो? तो 3 और किससे जुड़ जाएंगे इस हाईवे से। डर लग रहा है? हाँ लग रहा है। डर के आगे क्या होता है जानते हो? जाओ वहां से, जाओ, समझ में आ जाए। जी साहब, आधे घंटे के बाद यहीं पे। जी साहब यहीं आता हूँ। तूने वहां पे देखो, मैं यहां जा रहा हूं। ठीक है सर। से वही पेड़, मैं तो कहीं मुड़ा ही नहीं। हम कितनी नहीं बजे
हो तो क्या चाहिए? मैं विक्रांत से मिलना, एसीपी मुंबई पुलिस। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इस एरिया से एक लड़की गायब हुई थी, उसी को ढूंढ रहे हैं। माफ कीजिए। क्या हुआ? नहीं, नहीं। क्यों रही? नहीं नहीं कुछ नहीं। वो लड़की आपको अब नहीं मिलेगी। इस हाईवे पे जो खो जाता है सो खो जाता है, वापस कभी नहीं मिलता। आपको तारे देखने? यहाँ बहुत सारे तारे, कम से कम ऊपर नहीं देखना, आज अमावस है, कौवे तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। मेरी तो दो बार लेकर गए वो लोग। आप है कौन और आप बीच जंगल में ऐसे अकेली क्या कर रही? मैं किसी का इंतजार कर रही। किसका? ये पति का। कहाँ है वो? आपको चाहे कोई भी गाड़ी मिल जाए, आप तो धीरे ही चलाएंगे ना? धीरे कहाँ चला रहा हूँ, सही तो चला रहा हूँ। कहाँ सही चला रहे हो आप? प्लीज जरा जल्दी जल्दी चलाइए ना, वरना हम टाइम पर नहीं पहुंचेंगे और हमारी एनिवर्सरी यहीं इसी जंगल में मनानी पड़ेगी। और आपको पता है ये जगह बड़ी मनहूस है, कितनी सारी कहानियां है इसके बारे में। ओफो, शांत हो जाओ। कहानियां और हकीकत में बहुत फर्क होता है। लंबा सफर है, बातें करते करते पहुंच ही जाएंगे। आप भी ना। अरे अरे ये क्या हुआ? क्या पता, अभी तक तो ठीक ठाक चल रही थी। खैर मैं देखता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप मत जाइए। अरे मुझे देखने दो, मैं अभी दो मिनट में आता हूँ। अच्छा ठीक है, मगर आप मुझसे बातें करते रहिएगा। ओहो कुछ नहीं होगा मुझे। आप मुझसे बातें करते रहिएगा। हाँ हाँ। अभी तो ठीक चल रही थी, क्या हो गया अचानक? पता नहीं क्या हुआ, अभी देखता हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? देख रहा हूँ। देखिए आप कहाँ हैं बताते रहिए मुझे, डर लगता है। सब ठीक है ना? आप क्यों बात नहीं कर रहे मेरे साथ? मैं बाहर आऊं क्या? मैं तार ढूंढ रहा था, तुम क्यों घबरा रही हो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, आप संभल के करिए। अरे ये क्या आवाज है? महेंद्र जी आप ठीक तो है ना? आप क्यों कुछ कह नहीं रहे? महेंद्र, अरे महेंद्र जी आप कहाँ पे हो? अरे महेंद्र जी क्या आवाज है? महेंद्र जी आप कहाँ? महेंद्र जी कहाँ चले गए? महेंद्र जी आप कहाँ चले गए? महेंद्र जी हे भगवान, महेंद्र जी, महेंद्र जी आप कहाँ चले गए? महेंद्र जी, महेंद्र जी, महेंद्र जी, महेंद्र जी, महेंद्र जी, महेंद्र जी। I'm sorry. वो जरूर आएंगे।
आपको वो लड़की भी मिल जाएगी, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा जैसे मैं कर रही हूं। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। आपको यहां पर कभी कोई लड़का दिखा था? 12 साल के आसपास का होगा। इस हाईवे पे जो कोई भी आता है वो मरा हुआ होता है या फिर मरने वाला होता है। मैं आगे देखकर आता हूँ और आपके लिए भी किसी को भिजवाता हूँ, आपको थोड़ी मदद हो जाए। नहीं नहीं, आप जाइए, आप अपना काम कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यही हूँ। अरे आप जाइए। हाँ, हाँ, आपको कोई मदद की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर अकेली ऐसे। आपकी टॉर्च खराब हो गई। जी मैं मोबाइल की टॉर्च से काम चला लूंगा। नहीं नहीं, आगे से मत जाइएगा, पीछे के रास्ते से जाइएगा, आगे बड़ा खतरा है, आपको दर्द भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। आपका पैर ठीक हो गया? हम ठीक ठीक हो गया। सर देखिए, आप लोग मुझे इस तरह से यहां रोक कर नहीं रख सकते, एटलीस्ट मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करने दो। दिव्या को अगर कुछ हुआ ना तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। छोड़ेंगे तो हम तुझे नहीं, अगर तूने उस लड़की के साथ कुछ किया है तो। मैं उस लड़की के साथ कुछ कैसे कर सकता हूं, उसे प्यार करता हूं मैं। किसी को यकीन नहीं होता मेरी बातों पर। ओके, मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करने दो, वो लोग सुबह से परेशान होंगे, सुबह से मेरा फोन बंद है, प्लीज मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करने दो, एटलीस्ट मुझे मेरे वकील से बात करने दो, प्लीज मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज। ठीक है, चल नंबर दे, मैं कॉल लगाता हूँ। ये नंबर तो नहीं लग रहा, दूसरा ट्राई करता हूँ। अरे तुम्हारे यहाँ तो कोई फोन ही नहीं। अरे अरे चलो भागा है, जल्दी आ। यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं क्या करूँ सर, मैं परेशान हो गया हूँ। हर किसी को यही लगता है कि मैंने उसे मारा। सर मैं तो उसे प्यार करता था, उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। अच्छा ठीक है, चलो मुझे वहाँ ले चलो, वहाँ आगे ले चलो।
ये तो दिव्या का है, इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं आसपास में है सर। तुम श्योर हो ये दिव्या का? हाँ हाँ सर, ये उसी का है। क्या रे, मुझे चूना लगा के भाग गया, अब तू चल आवाज़ तुझे बताता हूँ। ए रुको, मैं हूँ ना यहाँ पे। टेम्पो यहाँ पे कब से? सर ये टेम्पो तो 6-7 महीने से यहाँ पर है। इसका एक्सीडेंट हो गया था और ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। मरने से पहले उसने बताया था कि एक बच्चा उसके टेम्पो के नीचे आ गया। बच्चा? हाँ सर, लाश तो नहीं मिली पर ड्राइवर बता रहा था कि बच्चा मरने के बाद भी शीशा ठोक रहा था। सर उसने पी रखी थी, अब क्या सच है और क्या झूठ। बच्चा तो है, शायद कोई गैंग भी जो इस बच्चे का इस्तेमाल करके यहाँ पे गाड़ियां लूटती है। इसे चौकी पे लेके जाओ। सर, सर इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस बार सर मैं यहीं पर रहूंगा और दिव्या को ढूंढ कर रहूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ सकता सर, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। सर आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसे नहीं मारा, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ तूने दिव्या को कुछ नहीं किया, लेकिन जो कोई भी इस सब के पीछे वो यही है और इसे ढूंढना जरूरी है। तुम जाओ और दोबारा चौकी से भागने की बेवकूफी मत करना सर। लेकिन लेकर जाओ इसे, चल। इसकी गाड़ी यहीं पे छोड़ दो, चलो घर पड़े। आओ साहब। गैंग? मैंने तो यह किसी गैंग के बारे में नहीं सुना है। शायद यही गैंग है सर, यह अफवाह फैला रही है इस हाईवे के बारे में, वो अपना काम आराम से कर सके। लेकिन अब दिव्या शायद उनके पास हो। शायद। एक मिनट रुको 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 रुको। ये सब तेरी वजह से हो रहा है, पता है कितना खतरनाक जंगल है वो। अरे नहीं करनी है बात यार, बस सिंपल। वेट वेट वेट, रुको एक मिनट। वो आवाज दिव्या? अब प्लीज कुछ मत बोलना, मुझे सोना। एक मिनट रुको। हाँ वो दिव्या की आवाज है, लेकिन ये तो वही बातें कह रही है जो कार में कह रही थी। लेकिन ये वही बातें दोबारा क्यों दोहरा रही है? हेलो विक्रांत सर। हाँ बोलो सर। वो लड़की का कुछ पता चला? नहीं नहीं मिली। क्यों? वो जो लड़का है यहाँ पर वो बता। सर सर सुनिए, अभी वायरलेस पर जो मैंने आवाज सुनी है वो दिव्या की है। दिव्या की? हाँ हाँ सर, वो दिव्या की आवाज है, वो शायद वहीं आसपास में है। एक मिनट। हेलो हेलो सर। ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। दिव्या? तुम दिव्या हो? देखो घबराओ मत, मैं विक्रांत सिंघल हूँ, एसीपी मुंबई पुलिस। हम लोग तुम्हें ढूंढने यहाँ पे आए हैं, मनन ने बताया तुम्हारे बारे में। तुम दिव्या वहां से बिल्कुल भी हिलना मत, मैं कुछ करता हूं। दिव्या
क्या हुआ सर, ठीक तो है ना? मुझे बताओ, यहाँ पर किसी औरत ने कभी पेट से लटक कर अपनी जान दी थी? हाँ साहब, आज से तकरीबन 7 महीने पहले की बात है। ठीक से याद नहीं आ रहा है सर, फाइल देखना पड़ेगा एक बार। लेकिन एक अजीब बात थी, उस रात उस औरत के साथ और भी कोई यहाँ पे आया था अपनी जान देने के लिए, लेकिन कोई लाश नहीं मिली यहाँ पे। हाँ, एक रस्सी मिली थी कटी हुई जमीन पर। रस्सी कहाँ है सर? रस्सी सर, आप क्या कह रहे हैं? क्या होगा सर आपको? रस्सी तो थी यहाँ पे। चलो उस टेम्पो का एक्सीडेंट भी 7 महीने पहले ही हुआ था ना? जी सर। ड्राइवर बोल रहा था कि गाड़ी के नीचे कोई बच्चा आ गया और उस औरत के साथ भी कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, तो हो सकता है कि वो बच्चा उस औरत का ही हो। बच्चे की रस्सी टूट गई और वो बच गया। किसी तरह हाईवे पे जाकर लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा था कि गाड़ी के नीचे आके कुचल गया, और फिर ड्राइवर ने डर के मारे उस बच्चे की बॉडी वहीं कहीं फेंक दी। सर, फिर आगे जाके उस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। टेम्पो की क्रैश साइट यहीं पे आ गया है ना? जी सर, इधर ही है। एक मिनट। क्या हुआ सर? ये पत्ते हटाओ, खोदना शुरू करो। ये देखिए सर, क्या मिला है? छोटे बच्चे का स्वेटर है। लो इधर, खोदते रहो। तेरे में आ रहा है। तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? किसने मारा तुम्हें? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं विक्रांत सिंह, एसीपी मुंबई पुलिस। तुम चलो, तुम्हें यहाँ से ले चलो। हाँ बचा ले, आ जाओ। ए गोड़पड़े, संभाल गोड़पड़े।
माँ। दिव्या कहाँ गई थी तू? कितनी चिंता हो गई थी तुझे मालूम है? चिंता के बेटा मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा मुझसे क्या होगा तेरे साथ, कुछ तो हो गया मेरे बच्चे के साथ। एक मिनट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। आप ही की वजह से दिव्या वापस आई है। कोई बात नहीं, ख्याल रखना। अब जी घर पड़े। जी साहब। पेड़ से लटकी हुई औरत के बारे में कुछ पता चला? साहब तकरीबन एक साल पहले पास के गांव में एक औरत थी जिसका एक बेटा था जो मानसिक रोगी था। उन दोनों के गांव वाले ने गांव से बाहर निकाल दिया। उस औरत के पति ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसी औरत की बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली। साहब यह हाईवे जितना लंबा है ना उतनी अजीब कहानियां इसके अंदर है। आप एक के पीछे जाएंगे तो 10 और निकल के आएंगे। सही कह रहे हो, दिव्या की किस्मत अच्छी है जो हमें मिल गई। लेकिन अब भी वहां पे कई सारे राज छुपे हैं जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। गाड़ी निकालो, मैं निकलना चाहता हूँ। जी सर चलो। वेरी गुड विक्रांत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पता था तुम इस केस को सॉल्व करके ही मानोगे। थैंक यू सर। सर लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। I mean, जिन चीजों में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता था आज उन्हें महसूस कर रहा हूँ, और जितना भी उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही उलझते जा रहा हूँ। उन सब को भूल जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। यू टेक रेस्ट, ओके एंड टेक केयर। जी चलो। गाड़ी रोको। यहाँ पे एक औरत टेंट में रह रही थी, कहाँ गई? ये जगह तो पिछले 20 सालों से सुनसान पड़ी है। क्या? हाँ सर। पक्का यही जगह है? हाँ सर यही जगह है। ठीक है।